हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे ना बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, बिल्कुल सुबह का तो नहीं हो रहा था, 8:30 हो रहे थे और मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। और मैं बना रही थी चाय, बनाने जा रही थी और अपने लिए ना थोड़ा सा गुनगुना पानी मैं निकाल ली हूँ। और यहाँ पर ना हमारी पहली चाय बन रही है। अभी चाय वाय पीने के बाद से फिर मैं खाना बनाऊँगी। यहाँ पे मैं चढ़ा ली हूँ कुकर, कुकर में मैं तेल डाल दी हूँ, तेल गरम हो रहा है। और यहाँ पे ना ये मैं चना था और मतलब सारा मिक्स करके मैं छोले बनाई थी। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं जीरा डाल दी हूँ, और जीरा डालने के बाद जीरा चटक गया है तो इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च और ये दो बड़े साइज़ के प्याज हैं, इन सबको एक साथ ही मैं डाल के ना चलाते हुए भून लूँगी। और यहाँ पर एक बड़े साइज का टमाटर है और इन सबको डाल के अच्छे से चला के भूनूंगी। और यहाँ पे ना मैं डाल रही हूँ मसाले, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, और कुछ नहीं डाली थी, बस इतना ही डाली थी। और यहाँ पे ना नमक ख़त्म हो गया था डब्बे में तो वही मैं भर रही थी। और ये है गरम मसाला। गरम मसाला मैं पैकेट वाला मंगाई थी, वैसे मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन घर का ना गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैं पैकेट वाला डाल रही हूँ। और यहाँ पे ना छोले डाल दी हूँ, छोले सारा मिक्स है, मूंग की दाल है, साबुत मटर है, छोले है और चना है, काला चना है, इन सबको एक साथ ना मैं रात को ही भिगो दी थी। और ये सब चलाते हुए ना मैं अच्छे से भूनी थी करीब 10 मिनट के करीब। और भूनने के बाद से ना इसमें मैं पानी डाल दी हूँ, यहाँ पे सीटी लगा लूँगी 5 से 6। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई थी। चाय पीने के बाद से फिर मैं ये ना ये पुआ है, मतलब पुआ के लिए मैं सूजी भिगो दी थी रात को। सूजी और चीनी मैं रात को ही भिगो के रख दी थी। और ये दूध है, दूध की मलाई वगैरह है थोड़ी बहुत, तो इसको डाल के ना मैं अच्छे से इसको खूब देर तक फेंटना है। फेंटने के बाद से ना इसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश और चिरौंजी डालूँगी और थोड़ा सा बादाम डालूँगी। और इसको ना काफ़ी, जितना आप फेंटोगे ना उतना ही अच्छा बनता है पुआ, तो वही मैं फेंट रही थी यहाँ पे। और कढ़ाई चढ़ा ली हूँ मैं यहाँ पे, और इसमें मैं डाली हूँ रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद ये देखिए बैटर हमारा अच्छे से, मतलब ऐसा ही हमें चाहिए, खूब अच्छे से इसको जितना फेंटो उतना फूलता है। तो यहाँ पे ना पुआ हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। होली में मैं बनाई थी तो मतलब शेयर नहीं की थी, मैं सोची लाओ आज शेयर कर दूँ। और ये देखिए बहुत अच्छे बने थे, फूले फूले। और इधर हमारा ना छोले भी बन चुका है, धनिया डाल के ना इसको निकाल लूँगी भगोने में, और इसी कुकर में ना मैं चावल चढ़ा लूँगी। और काफ़ी अच्छा छोला बना था, आप लोग देख भी सकते हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा बना हुआ था बिल्कुल। और चावल भी मैं बना दी थी। और यहाँ पे पुआ देखिए हमारा बन चुका है, ये देखिए बहुत अच्छा फूला फूला सब बना हुआ था, टेस्टी बना था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। देखिए चादर ठीक कर रहे हैं, अभी खाना खा लिए हैं ये लोग। और मैं पुआ बनाई थी, पुआ अच्छा लग रहा था, है बहुत टेस्टी था ना, होली वाले दिन से भी अच्छा बना था और बहुत अच्छा लग रहा था। छोले भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, उसको सारा कुछ मैं मिला के बनाई थी। काबली चना था, काला चना था और मटर था और मूंग की जो साबुत मूंग की दाल थी, सब मिक्स करके मैं बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था दाल। और ये अंश देखो क्या कर रहा है, चादर ठीक करके और ले जा रहा है। और काफ़ी टाइम हो गया है और हवा इतना ज़्यादा तेज चल रहा है ना कि मतलब ये दिन ऐसा हो गया ना कि आलस आलस सा आ रहा है। धूप बहुत ज़्यादा तेज निकल रही है, हवा भी चल रहा है बहुत। और यहाँ पे ना बर्तन बहुत सारे हैं, मैं अभी जा रही हूँ बर्तन को साफ़ करूँगी, सारा काम अभी पड़ा हुआ है मेरा। और सर में ना बहुत दर्द हो रहा था, मैं विक्स लगा के लेटी हुई थी इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया है मेरे को काम करने में, क्योंकि विक्स लगा के ना नाश्ता वगैरह करके विक्स लगा के और मैं लेट गई थी। अब जा रही हूँ मैं काम करूँगी और बच्चे जाएंगे ट्यूशन, अभी 2 नहीं बजे हैं, 2 अभी बजने वाले हैं, ये लोगों को 2:30 बजे जाना है। तो गैस अभी ना शाम हो चुका है और मैं जा रही हूँ पार्क। जा रहे हैं पार्क। अरे जी हाँ, देखिए साइकिल है ना, हमारी खराब हो गई तो उनको चलाएंगे, उन्हें नहीं देंगे। देखो आ नहीं रहा, आएगा। अरे नहीं गया अंकल है वो पक्का ना। तो गाइस हम लोग ना पार्क से आ गए हैं, अभी अभी आए हैं, बिल्कुल हाथ मुंह धोए हैं और रूम में ना अंधेरा अंधेरा सो रहा है, पता नहीं साफ नहीं दिख रहा है।
और बिल्कुल शाम हो गया है। हम लोग वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं थे, शाम को तो गए थे, काफ़ी दिनों पे गए थे। तो हम लोग ना बहुत दिनों पे गए थे आज पार्क घूमने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था तभी का गए हुए हैं, उसके बाद से आज गए हैं हम लोग। घर में बैठे बैठे ना जी उब गया था बिल्कुल, तो बच्चे परेशान थे कि मम्मी चलो चलो, तो फिर मैं गई चलो आज चलते ही हैं। तो हम गए थे, बगल में है एक वो गई थी और हमारे बच्चे गए थे। अभी शाम हो गया है, जा रही हूँ थोड़ा जोत जला लूँ मैं, उसके बाद से फिर देखती हूँ कि क्या बनाऊँगी। तो मैं इस वीडियो का ना यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।